साला बलवंत गिरगिट की तरह बदल गया। हिम्मत तो देखो साले की। गदर सुना है गिरगिट की कमजोरी तंबाकू होती है। लोग सुपारी देते हैं, हमें तंबाकू देनी पड़ेगी। अगर आज काली जेल से बाहर होता ना तो साला कुत्ते की तरह दुम हिला रहा होता साला। क्यों बॉस, बिना काली के आप हिल गए हैं? रोबे कुछ भी हो, काली का जेल से बाहर आना बहुत जरूरी है। उसका नाम काली है बॉस, जेल की मजबूत सलाखें उसके इरादे को बदल नहीं सकती, उसके आगे दीवार नहीं बन सकती, वो बादशाह है अपनी मर्जी का। तो इंस्पेक्टर तुम अच्छी तरह समझ चुके हो तुम्हें क्या करना है। बचाइए सर, बचाइए मुझे सर, सर बचाइए। क्या हुआ? सर, मैं कैदी काली को उठाने गया था, उसने मेरा ये हाल कर दिया। एक बहादुर सिपाही होकर इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाकर फिर से उठाओ उसे, कोर्ट जाने का समय हो रहा है। सॉरी सर, मैं नहीं उठा सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो, कौन से सेल में है? किसी बेचारे हाथ पैर जोड़कर काली को उठाओ, समझे? इंस्पेक्टर ज्यादा आने वाला है, ज्यादा बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, काली नहीं उठा तो हम सब उठ जाएंगे। मुझे कोई शर्म नहीं है सर, ये नौकरी चली गई तो भी कोई फिक्र नहीं, लेकिन काली को उठाने मैं नहीं जाऊंगा सर। बोलो वो कौन से सेल में है? अब यही ए काले, उठ, तूने पुलिस स्टेशन को समझ कर रखा है। अय्याशी का अड्डा या तेरे बाप का घर? तेरी ये हिम्मत कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है, है? तूने पुलिस को समझ कर रखा है। काली वो काल है जो किसी का भी काल बन सकता है। इंस्पेक्टर जाधव। तुम इतनी आसानी से इस जेल से नहीं भाग सकते। ये जेल तो क्या कोई भी जेल काली को ज्यादा दिन तक कैद करके नहीं रख सकती। तुम काली नाम की आंधी को कभी रोक नहीं पाओगे इंस्पेक्टर, दम हो तो रोक के देखना। इंस्पेक्टर तुम्हारी सारी पुलिस फोर्स भी काली को रोक नहीं सकती। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर यहां से फरार हो जाऊंगा। काली काल का दूसरा नाम है इंस्पेक्टर, और काल को कोई रोक नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, इट्स ए चैलेंज। चैलेंज, चैलेंज। Bye!
गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं रुक जा। काले रुक जा काले, चल जल्दी। तुमने अपना नाम नहीं मेरा नाम खराब कर दिया जादव, मेरा नाम जोगड़े के मुंह पे एक डांबर लेप दिया है तुमने। बोलो, अरे कुछ तो बोलो या मुंह में दही जम गया है। सारी पुलिस फोर्स में जोगड़े की बोमा बोम हो गई है कि जोगड़े का एक इंस्पेक्टर एक खतरनाक कैदी को जेल से कोर्टरूम तक नहीं ले जा सका। सर, जब तक काली को गिरफ्तार नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे काली चाहिए, काली। यस सर। काली, Here is my tiger, here is my tiger। कैसा है तू बता, कैसा 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 है, कैसा है तेरा साला सारा टेंशन निकल गया। बोल कैसा है तू, कैसा कैसा है तू, कैसा है। जेल में कहीं तेरा तेल तो नहीं निकल गया? अरे तेल तो पुलिस का निकाल के आ गया अपना टाइगर। लेकिन इस वक्त भूखा लगता है अपना टाइगर। देर किस बात की रूबी, तेरे टाइगर की बकरी बन जाओ। गो 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 एंजॉय योरसेल्फ गो।
अबे तू यहाँ भी? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? साला हमेशा आड़े आता है तू। अबे आड़े तो तू आता है, यहाँ प्यार में वहाँ व्यापार में। व्यापार और प्यार दोनों में नहीं छोड़ूंगा। क्यों कुत्ते की तरह इसके दर पर दुम मिलाता है तू? कुत्ता तो तू है, झूठी पत्तल चाटने आया है। ए चुपचाप चला जा, आज मेरा टर्न है। तू अबाउट टर्न हो जा, आज टर्न मेरा है। डबली मेरी है, मेरे साथ ही शादी करेगी, हनीमून मेरे साथ मनाएगी। ठीक है, आज फैसला हो जाएगा। चलो देखते हैं लवली किसका टेंडर खोलती है। चलो बोलो, तुम दोनों फिर एक साथ? हम दोनों साथ साथ हैं। साथ हैं। आने से पहले एक कॉल तो किया करो। लवली डियर, हम दोनों के साथ लव का वनडे मैच है और तुम रणजी ट्रॉफी हो, जो जीतेगा ट्रॉफी उसकी। ये नहीं हो सकता। पर वाय, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैच मैं पहले फिक्स कर चुका हूँ। क्या लवली, ये बुकी कौन है? बुकी? अरे ये तो दलाल लगता है। नहीं यार, ये मेरा भाई है, कॉल यू द ग्रेट, चंडीगढ़ से आया है। और हाँ, अब जो ये बोलेगा वही होगा। हाय गोलू, आई एम रॉनी, तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड। और मैं शिवा, बॉयफ्रेंड नंबर वन। आप लोगों के लव गेम का मैं हूँ तीसरा अंपायर। मेरे बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के? ख्याल अच्छा है। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? बोलो ब्रदर, बोलो। तुम दोनों बुकी लोग ताल से ताल मिलाकर मेरे सिस्टर को दिल दे चुके सनम, लेकिन मेरी सिस्टर ने अभी तक तुम दोनों को ये नहीं कहा कहना प्यार है। तुम दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट नहीं है यार, फ्लॉप। तो हम क्या करें? तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना है। गोलू सरकार, तुम दोनों में से मुझे जादू सिखाएगा, मेरी सिस्टर को दुल्हन बनाकर ले जाएगा। ओके, मैं जादूगर जमाल पाशा को ले आऊंगा। मैं जादूगर जमाल गोटा को लाऊंगा। वेरी गुड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आज का मैच ड्रॉ, आप दोनों वापस पवेलियन जा सकते हैं। ओके चलो। ब्रदर, अगर ये दोनों फिर एक साथ आ गए तो मेरा क्या होगा? डोंट वरी सिस्टर, तुम चंडीगढ़ बन जाना। चंडीगढ़? यस चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी। और वैसे भी तुम पहले से मिस चंडीगढ़ हो। मेरा भाई आ गया और काली इज बैक। वो हमारा ट्रबल शूटर बनकर हमारी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। मिस्टर मजीठिया, सिंडिकेट के सुप्रीमो कैप्टन ने इस ब्लास्ट के लिए 50 करोड़ रुपया भेजा है। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 100 करोड़ है, पूरी कंट्री को ब्लास्ट करना है। डोंट वरी, बाकी के 50 करोड़ मैं दूंगा। तुम कहां से दोगे? रुद्रा भी तो तुमसे अपना पैसा मांग रहा है। वो रुद्रा अब अपनी मुद्रा नहीं मांगेगा। लेकिन भाई, बाकी के 50 करोड़ कहां से लाएंगे? काली है ना हमारे पास 50 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट। कल काली करोड़ा बैंक जाकर उस ड्राफ्ट को इनकैश करेगा। यू मीन बैंक रॉबरी? यस। कल 10 बजे बैंक खुलेगा। 10:10 को मैं वहां जाऊंगा। 10:12 को मैनेजर से बोर्ड की चाबी मांगूंगा। 10:15 को कोर्ट खोलूंगा और 10:20 को 50 करोड़ रुपया हमारे पास होगा। That's all. मैनेजर चाबी देगा क्या? देगा, उसका बाप भी देगा, क्योंकि चाबी मांगने वाले का नाम काली है। हेलो ऐश्वर्य, कल सवेरे 10 बजे काली करुणा बैंक में डाका डालने वाला है। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी खबर दी है। ओके टेक केयर, बाय। क्या बात है छोटे? भैया विजय ने इन्फॉर्म किया है कल 10 बजे काली करुणा बैंक लूटने वाला है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब आएगा खेल का मजा। तो जल्दी से पुलिस को फोन लगा। बाय पुलिस भैया, कल काली बैंक लूटेगा, हम काली को लूट लेंगे। बच्चा है तू, अगर काली का खेल खत्म होगा तो मजेठिया के दिए का तेल भी खत्म हो जाएगा और फिर अंडरवर्ल्ड में हमारा खुद का बैंक होगा। चल जल्दी से पुलिस को फोन लगा।
हेलो जाधव। लो काम के बाद सुनो इंस्पेक्टर, वरना काम से जाओगे। क्या मतलब? तो सुनो, कल ठीक 10 बजे तुम्हारा फरार कैदी काली करुणा बैंक लूटने वाला है। क्या? कौन बोल रहा तुम? ये मत पूछो, तुम फोन रखो और फौरन काम पे लग जाओ। ओके। हेलो 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 काली, अब तू गया काम से। हेलो हेलो डीएसपी कंट्रोल रूम। हेलो कुलकर्णी, जरा चौकन्ना रहना, समझ गए? ओके सर। हेलो यहाँ सब ठीक है? तुम सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, काली किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, जरा चौकन्ना रहना, समझ गए? हे लाओ फोन दो। सर ज्यादा भैया सर, सर यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, काली मेरे हाथों से बच के नहीं जा पाएगा। सर नाउ गो एंड टेक योर पोजीशन। सर काली और उसके आदमी अभी भी अंदर गए हैं। मॉर्निंग मैनेजर साहब। इंस्पेक्टर जाधव, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। जब तक मेरी बॉडी पर ये है और तुम हो, मुझे पुलिस का कोई खतरा नहीं। और अब तुम 10 मिनट के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपया लेकर यहाँ आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार वहां बैठकर करूंगा, समझ रहे हो ना तुम? और एक बात सुन लो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए प्लीज प्लीज काली प्लीज। ये बम यहाँ पे रख रहा हूँ मैं और रिमोट मेरे हाथ में है। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। नो नॉनसेंस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें तो उस बैंक डकैती के बारे में पहले से ही मालूम था, फिर भी काली डाका मार कर चला गया और तुम तमाशा देखते रहे। तुमने पूरी पुलिस फोर्स की नाक कटवा दी है जाधव। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करता, काली ह्यूमन बम बन के आ गया और उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पब्लिक की जान माल का खतरा था।
मैं मजबूर था सर। मजबूर? मजबूर माय फुट। अगर पुलिस मजबूर होने लगी तो अपराधी पुलिस वालों के सर पर बैठ के तबला बजाने लगेंगे। सर मुझे एक चांस और दे दीजिए सर। अगर इस बार मैंने काली को नहीं पकड़ा तो मैं दो बाप की औलाद सर। शट अप जादव, अपने आप को क्यों गाली दे रहा? बाप तो काली बना हुआ है हम सबका। मुझे काली चाहिए, जिंदा या मुर्दा। देखते ही गोली मार देना। शूट हिम एट साइट। यस सर। सर बैंक रॉबरी के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गए हैं मगर वो मैच नहीं हो रहे हैं। क्या मतलब? सर हमारे पास काली के जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट है और कल जो बैंक रॉबरी में लिए गए हैं दोनों फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। हाँ? ये कैसे हो सकता है? सुप्रीमो कैप्टन तुमसे जल्दी ही मिलने वाला है। तुमने बहुत बार इस कैप्टन का जिक्र किया मजीठिया। ये कैप्टन है कौन, क्या बेचता है? कैप्टन अपराध की दुनिया का पेशाज बादशाह है। वो मुल्कों को खरीदता है, मुल्कों को बेचता है। वो जल्दी ही इंडिया को खरीदने वाला है और तुम्हारी मुलाकात उससे जल्दी ही होने वाली है। गिले 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 गिले। कौन हो तुम? रंगा। मैं जादूगर जमाल पाशा, सन ऑफ धमाल पाशा, फ्रॉम चिंतपोकली चेन्नई टू ऑल द वे फ्रॉम टिम्बकटू। थैंक यू सर, माय नेम इज गुरु सर। अरे जमाल भाई दिखाओ कुछ कमाल, भाई मुझे जादू सिखाओ यार। देखेगा जमाल का कमाल देखेगा, बंगाल का जादू करेगा तेरी बहन को बेकाबू। मैं इसे हिप्नोटाइज करेगा और तुझे सरप्राइज करेगा। मुझे चेला बनाओ गुरु अपना। बनेगा, जरूर बनेगा चेला, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। करूंगा। तुझे बाहर जाके अपने एक पैर पर खड़ा होकर 1001 बार लोटा सोटा जमाल घोटा बोलना पड़ेगा। जरूर बोलूंगा। और साथ में ये भी लेकर जा, जा तेरा काम हो गया, जा। लोटा घोटा जमाल घोटा, लोटा घोटा जमाल घोटा, लोटा घोटा जमाल। अरे सुनो तुम, लोटा घोटा जमाल घोटा, लोटा घोटा जमाल घोटा, लोटा छोटा घोटा जमाल घोटा, जमाल घोटा। कौन है आप? जादूगर जमाल घोटा। अरे झूठ, जादूगर तो अंदर है कमाल। क्या वो मेरी बैंक को हिप्नोटाइज कर रहा है? बेवकूफ, जादूगर जमाल घोटा तो मैं हूँ। कौन है वो अंदर जो मेरा डुप्लीकेट बनाए? अभी उसे कबूतर बना देता हूँ। जमाल भाई वो साला शिवा होगा जो मेरी माशूक के लाइन मारता है। चलो देखे। चलो। ओ माय शिवू शिवू आई लव यू। कुछ कुछ करो। वो काहे को घबरा, आबरा का जाबरा। ये क्या किया तुमने? छोड़ कुंबा। अरे देखा जमाल का कमाल, नाम कर दिया। अरे जमाल भाई तुमने मेरी डबली को पुतली भाई बना दिया। सुन, इसे अपने गाड़ी में दूर ले जा और वहाँ कान में बोलना होड़ कुंबा, 7.5 मिनट में फिर वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आजा मेरी पुतली। मेरी बहन को ले जाओ, मेरा क्या होगा? तुझे बकरी बना देगा। मुझे बकरी नहीं बनना है, मुझे जादूगर बनना है। मुझे अपना चेला बना लीजिए। तू क्या बनेगा मेरा चेला? तू तो एक सड़ा हुआ केला बनेगा। होड़ कुंबा। तुम फिक्र मत करो रानी, सब ठीक हो जाएगा। वेलकम काली, वेलकम। बोलो रुद्रा क्यों बुलाया? बैठो, तुमसे हाथ मिलाने। तुम तो जानते हो मैं मजिठिया के साथ हाथ मिला चुका हूँ। मजिठिया ने तुम्हें क्या दिया है?
हाथों में हथकड़ी और कैद। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुम्हें पार्टनरशिप दूंगा, तुम हमारे साथ काम करो, हर बार मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, यानी 50-50। मिस्टर बलवंत रुद्रा, अपराधियों के भी कुछ उसूल होते हैं। मजिठिया मेरा दोस्त है और काली दोस्ती में कभी बेईमानी नहीं करता। आइंदा कभी मजिठिया के लिए गड्ढा मत खोदना, वरना अपने गड्ढे में गिर जाओगे। आपको चैलेंज देकर क्या, इसका तो जेल ही खत्म कर दूंगा। कूल डाउन छोटे, कूल डाउन। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। माना कि काली हमारे गले की हड्डी बन चुका है, लेकिन ये हड्डी कैसे निकालनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ऊपर वाले, एक बार जमाल भाई को मिला दे, मेरे को जादू सिखवा दे मेरे मालिक। अरे तू इतना बड़ा जादूगर है, सारी दुनिया का, मुझे भी जादू करना सिखा दे। ऐसा जादू करूंगा कि ये सारी नगरी जगमगा उठेगी। अरे इन झाड़ों पे रोटियां लगेंगी, नल की टोटी से दूध बहेगा दूध। कोई गरीब बच्चा भीख नहीं मांगेगा, सिर्फ एक बार जादूगर जमाल गुड्डा के दर्शन करा दे बाबा। जादूगर जमाल गुड्डा, शॉर्टलाइन पे बात की और तुम शॉर्टलाइन में यहाँ पहुँचे। जमाल भाई मुझे जादू सिखा दो। जमाल भाई जा बदतमीज, वरना हुड़कुमा बना दूंगा। मैं आपके पैर तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे जादू नहीं सिखाते। ऐसे फोकट में कैसे सिखा दो? पैसे ले लो तो फिर निकाल 2000 रुपया। 2000 रुपए नहीं, 1000 से काम चलाओ। 1000 तो फिर आधा सिखाऊंगा। आधा चलेगा मेरे बाप। ये लो 1000 रुपए। आबरा का ढाबरा। ये कुछ नहीं हुआ, हो गया आधा जादू हो गया। आंखें बंद करके 5 बार हुड़कुमा बोल और अपनी शर्ट खोल, जादू सीख जाएगा बच्चे। एक हुड़कुमा, दो हुड़कुमा, 3 हुड़कुमा, 4 हुड़कुमा, 5 हुड़कुमा। ये क्या किया रे, आधा जादू का एक कमाल है। अरे पूरा जादू करता तो क्या होता रे। अरे मैं तो आधा मुर्दा आधा जिंदा हो गया रे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं रे। Thank you.
तुमने बलवंत रुद्रा के भाई पर हाथ डाला है। अरे मैंने तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुमने हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। पता करो काली कहाँ छुपा है, जाओ। छोटे, जब तक काली के सीने में गोली ताप नहीं दूंगा, तब तक तेरी चिता को आग नहीं दूंगा, नहीं दूंगा आग। अजीठिया और बलवंत के बीच इस गैंगवार को रोकना पड़ेगा, और इस गैंगवार का असली कारण है वो काली। तो आप मेरी बात मानो, आप गांव जाकर अपनी घरवाली को वापस ले आओ। अब ये गैंगवार शुरू हो गई है, अब हमको और अलर्ट रहना है। हम कसम खाते हैं कि अगर दो दिन के भीतर उस काली को गिरफ्तार नहीं किया तो हम अपना सर मंडवा लेंगे। खोलो भैया दरवाजा, खोलो। ना बहना ना, अब मैं कुछ खोलने के लायक नहीं रहा बहना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। लेकिन तुझे हुआ क्या है? पिछले तीन दिनों से 36 डॉक्टर तुझे देख गए हैं और सबके सब बेहोश हो गए हैं, क्या हुआ तुझे? ये सब बंगाल का काला जादू है जो कंगाल कर गया। ओहो, पता नहीं क्या हो गया मेरे गोलू भाई को। डबली डबली, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर डिक्रूज फ्रॉम सेंटा क्रूज, पेशेंट किधर है? अंदर कमरे में। डबली चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये है डॉक्टर लॉर्ड। आई एम लॉर्ड फ्रॉम मलाड। यू स्टूपिड डॉक्टर, तुम हमारे एरिया में विजिट किया, तुम्हारे सब पेशेंट मर गए क्या? इधर काय को आया? नॉनसेंस, यू आर वेटरिनरी डॉक्टर, तुम इंसान का नहीं जानवर का डॉक्टर हो। प्लीज डॉक्टर साहब, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मेरे भाई को ठीक कीजिए। ओके मैडम। और डॉक्टर साहब, इसके पहले 36 डॉक्टर आकर बेहोश हो चुके हैं। डोंट वरी मैडम, हम बड़े डॉक्टर हैं और हमें देखकर तो बीमारी बेहोश हो जाती है। ओके प्लीज गो। गेट आउट, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अरे ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज हमारे पास ना हो। अरे मुंबई शहर की हर बीमारी हमें देखकर भाग जाती है। तुम मुझे देखकर भाग जाओगे? नहीं नहीं, अभी हम तुम्हारा टेम्परेचर लेंगे। मुंह खोलो। वो थर्मामीटर कहाँ गया? पेट में। क्या? ओ जीसस, मेरे फादर ने गिफ्ट दिया था और तू खा गया? मेरी मदर ने दिया था, वेरी सेंटिमेंटल थर्मामीटर। डोंट वरी, I will open the gate of my pet and I will give you. ये लो आपके मदर का और ये लो आपके फादर का। ये क्या लफड़ा है? ये बहुत लफड़ा है। हम तुम्हारा पेट देखेंगे, हम नहीं देखने देंगे। हम देखेंगे, हम नहीं दिखाएंगे। हम देखेंगे, हम नहीं देखने देंगे। हम देखेंगे। लगता है ये भी दोनों विकेट गई। ओह नो। मना किया था, मत देखो मत देखो, बड़ी खुली थी देखने की, मिट गई खुली। 36 और 2 38। बहुत क्रूरता साले को अपने टाइले हाथ पर काट डाला, मक्खी की तरह मसल डाला। काली तुमने साबित कर दिया है कि मजीठिया के सामने रुद्र फकुरी है। हाँ बॉस, अब काली को वो खुशखबरी भी सुना दो जिसको सुनकर इसकी सांसों में दम आ जाए। काली, अब वक्त आ गया है कि जब तुम गुनाहों की दुनिया के पेताज बादशाह बन जाओगे और इंटरनेशनल क्रिमिनल सुप्रीमो के लाओगे। वाह, रुद्रा के भाई के मर्डर का इतना बड़ा सर्टिफिकेट। ये इनाम उस मर्डर का नहीं है, तुम्हारी काबिलियत का है काली। मैं समझा नहीं, थोड़ा खुलकर बताओ। कैप्टन खुद तुमसे मिलने के लिए इंडिया आ रहा है, अब तुम्हारे नाम का ढंका पूरे वर्ल्ड में बजेगा। विश यू ऑल द बेस्ट काली। हेलो रुद्रा जी, कल काली कैप्टन को मिलने आने वाला है। उससे पहले कि हमें काली की लाश चाहिए, तुम किसी भी कीमत पर उसे हमारे गेस्ट हाउस की तरफ लेकर आ जाओ। ठीक है सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या बात है? आज मेरे बेटे का नामकरण है साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आकर मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा नाम रखें साहब। चलो
लगता है ब्रेक डाउन हो गया। ड्राइवर जरा देखो। की कसम खाई है मैंने, वरना फेंका उड़ा दूंगा। शूटेड फाइट के ऑर्डर है मेरे पास। रुक जाओ, रुक जाओ। सर आप, ये क्या बेवकूफी है जादव? सर वो काली फरार कैदी। ना वो काली है ना वो कैदी, वो हमारा आदमी है, सीबीआई ऑफिसर रवि वर्मा। सर? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सर लेकिन, चलो मेरे साथ। अब एक्सक्यूज मी सर, यहां पर क्या है? तुम्हारे सवालों का जवाब। मतलब मुझे अंधेरे में रखा गया? तुम ही को नहीं, पूरी अंडरवर्ल्ड को अंधेरे में रखा गया। मतलब सर? सीबीआई ऑफिसर रवि वर्मा काली बनकर दुश्मनों की गैंग में घुस चुका है। तो फिर असली काली कहां है सर? आओ मेरे साथ। हेलो, हाउ इज ही डॉक्टर? ही इज इंप्रूविंग। सर अगर मैं काली के धोखे में सांप को गोली मार देता तो आपने मुझे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया? जानता हूं, लेकिन हम तुम्हें यह बेवकूफी करने नहीं देते। हम हर वक्त तुम पर नजर रख रहे थे, इसलिए आज एन वक्त पर तुम्हें रोक लिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई।
तुम्हारी गुस्ताखियों की वजह से मेरा सारा निशाना चूकता रहा। जानते हो आज तुमने किसे बचाया? उस कैप्टन को जो सारे देश के दुश्मनों का कैप्टन है। और सर, इस ड्रामे की जरूरत क्या है? ड्रामे की जरूरत है, कभी कभी देश को बचाने के लिए ऐसे ड्रामे की जरूरत है। और जानते हो, इस राज को मैंने हमेशा राजी रखा है, अपने परिवार तक को नहीं बताया। आपका परिवार सर? जी हाँ, मेरा भी एक सुखी परिवार था, और मेरे परिवार की खुशहाली को इस काली नाम के नाग ने निकल लिया। जानते हो कैसे? एक दिन कैसा लग रहा है बंटी? मजा आ रहा है पापा, मैं रोज पार्टी करने आऊंगा। बेटा रोज कहाँ आ सकेंगे, तेरे बाप के पास वक्त कहाँ है हमारे लिए। माँ क्यों अपना मूड खराब कर रही हो, पिकनिक का पूरा मजा लीजिए। माँ जी कितने दिनों के बाद हम लोग आउटिंग पर निकले हैं। क्यों जी? बहुत रोमांटिक लग रही हो। मैं भी रोमांटिक होते जा रहा हूँ पापा। बंटी वो देखो वहाँ। हाँ तेरे हंसते खेलते परिवार को मेरी नजर लग गई है रवि वर्मा। तूने मेरा करोड़ों का घाटा किया है, अब तेरे जाने का टाइम आ गया। रवि बेटा, तू ये सीबीआई की नौकरी छोड़ दे, तुझे बंटी का वास्ता। मेरे नौकरी छोड़ देने से बंटी वापस आ जाएगा माँ? जाने वाले लौट के नहीं आया करते बेटे, लेकिन अपनी बीवी अपनी बहन का तो ख्याल कर। सीबीआई का ऑफिसर न बाप होता है, न भाई, न पति, और न किसी का बेटा होता है, वो सिर्फ अपने ड्यूटी से बंधा होता है। तुझे अपने बंटी की मौत का दर्द नहीं? जो फर्ज की सूली पर टंगा होता है वो कील के दर्द से नहीं रोता। मैंने अपना बंटी खोया है, लेकिन अब कोई माँ अपना बंटी नहीं खोएगी, ये मेरा वादा है। तेरी कसम बंटी, जिस दिन तेरा हत्यारा वो काली मेरे हाथ लगेगा, उसे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत की रूह भी कांप जाएगी। मौत की रूह नहीं होती है रवि वर्मा, काली। उस दिन मेरी गोली से तू बच गया, आज नहीं बचेगा। Oh!
वेल डन ऑफिसर, तुमने काली को जिंदा पकड़ लिया। काली को पकड़ लेने से इसके पूरे गैंग को तो नहीं पकड़ सकते। इसकी पूरी गैंग को भी पकड़ने का एक तरीका है मेरे पास। क्या है सर? तुम्हारा और इसका चेहरा एक जैसा है। तुम काली बनकर इसकी गैंग में शामिल हो जाओ, फिर तुम आसानी से इसके आदमी और कैप्टन को भी पकड़ सकते हो। यह राज हम तीनों के बीच में रहेगा, तुम्हारे, डॉक्टर के और मेरे। और इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन कैदी। अब तक ये राज मेरे, डॉक्टर गुप्ता और डीएसपी साहब के बीच था, और चौथे व्यक्ति तुम हो जाधव। ये राज राजी रहेगा सर, कसम से। जाधव, तुम्हारी कसम तो हमेशा टूटती रहती है। अब ऐसा नहीं होगा सर, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। ओके, इट्स गुड। है? ये तो बहुत बड़ा अपराधी चमन चिंदी है। मुझे आपसे जानना है कि आपने इसको कैसे पकड़ा। इंडियास मोस्ट वांटेड है ये, अब तक 70 मर्डर कर चुका है। इस खूंखार आतंकवादी को, रेपिस्ट को आपने मिनटों में कैसे पकड़ा, हम ये जानना चाहते हैं। कैसे पकड़ा वो भूल जाओ यार, अब इसको लेके जाओ। नहीं सर, नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा सर, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। ये हवालदार चाटे आपको सैल्यूट करता है सर। सर आप ग्रेट हैं, सर आप महान हैं, सर आपने जो कुछ किया है उसका मुझे बहुत फायदा होगा, मेरा प्रमोशन होगा, मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पर आऊंगा। सर सर आप महान हैं सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप इस तंबूरे को लेके जाओ, मैं इसको छोड़ देता हूं। टाइम टेबल मांग रहा था साला, टेट वॉच बोला था 50 करोड़। ये ले, ये ऊपर जाके ले लो, जा जा जा। ये तो गया भाई साहब, लेकिन आपका काली कहाँ है? काली कहाँ है? वो तो मेरे पल्लू से बंधा हुआ है। पल्लू का पता नहीं, काली को बांध रही है, समझाओ इसे। ये ना समझी थी क्या काली? लेकिन मान गए तुमको, तुमने किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रुद्रा का काम तमाम कर दिया। धूल झोंक कर काम तमाम करना ही काली का काम है। तुम्हारे काम से कैप्टन बहुत खुश था काली, तुमसे मिलना चाहता था लेकिन चला गया। लेकिन बोल के गया था कि इंटरनेशनल डील के लिए काली ही अमेरिका जाएगा। तुमको अमेरिका जाना होगा काली। मजीठिया, तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में जा सकता हूँ। जहन्नुम में जाए तुम्हारे दुश्मन काली, और अगर अमेरिका में जाकर किसी गोरी मेन के साथ लव गेम खेला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। यस रवि, एनी प्रॉब्लम? नो सर, गुड न्यूज। मजीठिया मुझे कैप्टन के मिशन पर अमेरिका भेजना चाहता है। ओह, दिस इज रियली गुड न्यूज। सर मैं इंटरनेशनल माफिया के सारे सबूत लेकर मैं वापस आऊंगा। आई नो रवि, Only you can do it, रवि। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। इस वर्दी के नीचे हमारा दिल धड़कता है। यानी कि फैमिली की याद आ रही है। मिशन पर जाने से पहले घर पर फोन करना चाहता हूँ। ओके, बट बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सर। हेलो, कौन? माँ, रवि। रवि तू? अरे कहाँ है तू? ऐसे कैसी नौकरी है तेरी, ना घर की चिंता ना घरवाली की, कुल सी मुरझा गई है बेचारी रजनी। किसका फोन है माजी? रवि का फोन है, जल्दी आ। तू कैसा है बेटा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? माँ तेरा आशीर्वाद है। ले रजनी से बात कर। हेलो, कैसे हो रवि? ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुमसे बहुत नाराज हूँ, लगता है तुम घर का पता भी भूल गए हो। अरे ऐसी बात नहीं है। सुनो तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम तुरंत नहीं आए ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ऐसा गजब नहीं करना मेरी जान, बस तुम तीन गिनो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। एक, दो, तीन। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? जय जय मेरी जान। प्यार का प्लेन उड़ने वाला है, सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना कमर का बेल्ट बांध लें। हाँ? अरे भाभी डियर, फोन पे सिर्फ बातें की जा सकती हैं, रोमांस नहीं। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? रवि वर्मा, तू मेरा गेटअप करके काली बनना चाहता है, क्यों ना मैं तेरा गेटअप करके सीबीआई ऑफिसर रवि बन जाऊं? बाय बाय काली। He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. Good morning. Good morning. Hey, तुम अमेरिका नहीं गए? हाँ गया, मैं नहीं आपका आदमी काली बनकर गया। फिर तुम कौन हो? रियल काली। What? अगर आपका रवि काली बन सकता है तो काली भी रवि बन सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं झोकड़े साहब, आपका रवि मेरा पासपोर्ट लेकर अमेरिका गया और आप विदाउट पासपोर्ट ऊपर जाओगे। हाय गोलू जी, आप यहाँ? मैं मिस लीले। अपना भी खाता है। हालात हमको बार बार एक दूसरे से मिलाते हैं गोलू जी, एक बात बोलो। अरे दो बात बोलिए मिस मेरी ले ले, लेकिन पैसा पर्स में डालिए पहले, जमाना बहुत खराब है। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? अचानक चल हलाओ, जान दो मुझे। जी जी, ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर स्ट्रांग रूम की चाबी लाओ, ना कोई अंदर से बाहर जाएगा ना कोई बाहर से अंदर आएगा, समझे? और ना कोई पुलिस को इतना करेगा वरना इस बच्ची की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैनेजर चाबी लाओ वरना खोपड़ी, जल्दी करो। आउट आउट। ए तू अंदर काय को आया? बच्ची को छोड़ दे, मुझे कैदी बना ले। अरे इस कोट के अंदर इतने नोट है और बहुत कुछ है, बच्ची को छोड़ दे, मैं तुझे सब दे दूंगा। सब दे देगा? हाँ। छोड़ दो बच्ची को, सब जा बेटा। ओके बेटा, जाओ जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ। दिखा मेरे को नोट, मैंने बच्ची को छोड़ दिया, अपने नोट दिखा। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, जरा सबरी कर ले। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर चाटे के एरिया में ये क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो सकता था मगर आपने होने नहीं दिया। मैं आपको जानता हूँ, आपकी ताकत को जानता हूँ सर। सर आप भेज आप महान है सर, आपके वजह से मैं हवलदार इंस्पेक्टर बन गया सर। मेरी वर्दी देखिए, मेरी पर्सनैलिटी देखिए सर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी वर्दी है। ये आइटम को ले जाओ और प्रमोशन हो सकता है। हाँ सर, वेरी गुड। ये तो खतरनाक डाकू छप्पन सिंह है, जिसे 56 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। इसने अब तक 56 डाके डाले हैं, लेकिन आज ये मेरी गिरफ्त में है। सर
सर ये इंस्पेक्टर चाचे आपको सैल्यूट करता है सर, आपकी ताकत का राज क्या है सर, आप कौन हो क्या हो सर? मेरी ताकत का राज छोड़ो, इस कमीने पापी छप्पर सिंह को लेके दौड़ो, और वो देखो सामने तुम्हारा प्रमोशन दिखाई दे रहा है मुझे। इंस्पेक्टर के ऊपर क्या होता है? एसपी, एसपी होता ना, वो देखो एसपी खड़ा है। तुम सपनों की दुनिया में खोए रहो और मैं हकीकत में इसको लेकर इसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। आओ पत्नी के लिए चले जाओ। मैं बोला था ना कैप्टन, हमारा काली एक नया भीरा है, वो हर काम बाएं हाथ से करता है, यू चुटकी बजा के। शिवा हमारा कैप्टन काली से बहुत खुश है। ये क्या कर रहे हो शिवा? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा हूं? तुम जो भी हो अपनी काली नहीं हो सकते। काली इस वक्त अमेरिका में है। और अमेरिका में उसने तुम्हारे कैप्टन को शीशे में उतार लिया है। तुम सब धोखा खा गए। मुझे तुम लोगों की गोलियां खाने का शौक नहीं। काली? काली? अरे तुम लोग तो मुझे रोज देखते हो, फिर भी धोखा खा गए। अगर वो यहां था तो तुम कहां थे? डॉक्टर गुप्ता के नर्सिंग होम पर घायल होकर पड़ा था, और सीबीआई ऑफिसर रवि वर्मा काली बनकर यहां था। तो अब क्या होगा? वही होगा मजिठिया जो हम चाहेंगे। रवि वर्मा को काली बनकर अपना गेम खेलने दो, और मैं सीबीआई ऑफिसर रवि बनकर क्या गेम खेलता हूं देखते जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया काली, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल कर। कमाल तो हो गया, लेकिन अभी धमाल करना बाकी है। माँ, भैया आ गए। भैया भैया आ गया बेटा, मिल गई तुझे फुर्सत, चलो घर की याद तो आई। अरे ऐसी भी क्या नौकरी जिसने तुझे हम सबसे दूर कर दिया, और तुझे फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तू तो नौकरी कर रहा है और बनवास बेचारी रजनी सह रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, आखिर घर पर तो आ गए ना। क्या सोच रहे हो भैया? मैं सोच रहा हूँ कितना अच्छा घर है। तू है, ये है, कहाँ से शुरू करूँ? सोचना क्या है, मेरे से शुरू करो। क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? अरे अरे गिफ्ट सबको मिलेगा, पहले से आराम तो करने दो। आओ। क्या हुआ माँ, टेंशन में हो? किरण तूने देखा रवि कुछ बदल सा गया है, इस बार उसने मेरे पैर भी नहीं छुए। ओ माँ तुम भी सठिया हो गई हो बस, चलो। वाह, अरे मिस्टर रवि वर्मा तू वहां मेरा ड्यूटी कर रहा है, यहां मैं तेरा ड्यूटी करता हूं। अरे किस उल्लू के पट्टे ने तुझे कहा था अमेरिका जाने के लिए, इतनी हसीन औरत को छोड़कर? अभी तक आई नहीं। कुकर की तरह सीटी मत बजाइए, चुपचाप दूध पीकर सो जाइए। अरे क्या बात हुई, इतने दिन बाद पति घर आया है और तुम भाव खा रही हो? क्या करूं, मजबूरी है जी। ऐसी कौन सी मजबूरी जो इतनी दूरी है? मैं क्या करूं जी, मैंने संतोषी माता से मन्नत मांगी थी कि अगर आप सही सलामत घर लौटेंगी
तुम्हें 11 दिन 11 रात संयम व्रत का पालन करूंगी। हा? तो फिर मेरा क्या होगा? सब्र का फल मीठा होता है जी। गुड नाइट। मिस्टर रवि वर्मा, तू किस्मत का बहुत धनी है। 11 दिन नो प्रॉब्लम। हे भगवान, कुछ तो बहुत होना। सुन, मैं अपनी माँ के लिए नहीं आया हूँ, उसे तूने पहले उठा लिया ना। मैं किसी सट्टे का नंबर मांगने आया हूँ, ना किसी भाई का पता पूछने आया हूँ। तू जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये मिस मेरी ले ले, ये कहती है अपने दिल में मुझे जगह दे। अरे दिल होगा तो जगह दूंगा ना, यहाँ तो पूरी दुकान साफ है। हे भगवान, मेरे गोलू के दिल में मेरे लिए प्यार जगा दे। मेरा मामा है ना, वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ गोलू से शादी करना चाहती हूँ। गॉड प्लीज हेल्प मी। वो तो यहाँ है। गुरु! मामा! मेरी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर में दूल्हा देखने आया है? मामा, मैंने लड़का देख लिया है। शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी। ये तेरा दूल्हा नहीं बन सकता, इसका तो केस बिगड़ा है। नहीं मामा, ये तो वीर पुरुष है, मेरे सपनों का राजकुमार। बस मुझे पहले जैसा बना दो गुरुजी। जमाल भाई, मैं आदमी बनना चाहता हूँ। मेरी भांजी से शादी करेगा? करूंगा। अगर इसे धोखा दिया तो पूरा हुड़कुंबा करूंगा। हाँ। तभी धोखा नहीं दूंगा मामा, मुझे ठीक कर दो मामा। ठीक है, कनाबरा हुड़कुंबा। मैं ठीक हो गया। इसको क्या हुड़कुंबा किया था मामा? जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मैं इसे बहुत बड़ा जादूगर बनाऊंगा। मुझे जादूगर नहीं बनना है पापा, अब तो मुझे बाजीगर बनना है। अरे जीएसपी और डॉक्टर गुप्ता को किसने मारा होगा? मैडम, इसका जवाब तो केवल आपके पति दे सकते हैं। अरे इनका इन कत्लों से क्या लेना देना? सब उन्हीं का तो लेना देना है मैडम, ये डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल मामला है, टॉप सीक्रेट यू नो, अंदर की बात है। ये सब आप जानो और आपके साहब जाने, मुझे तो डर लगता है खून खराबे से। सर क्या बात है सर, आप तो अमेरिका जाने वाले थे, आप यहाँ इस गेटअप में? जाने वाला था, मगर काली ने डॉक्टर गुप्ता और डीएसपी साहब को मारकर फरार हो गया। वो वापस अपने लोगों के पास पहुंच चुका है। ओ, इसीलिए आप सीबीआई बन के यहाँ आए सर? आदमी समझदार हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। नहीं जाता हो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि काली ने डॉक्टर गुप्ता और डीएसपी साहब को मार डाला। सही कह रहे हैं सर, ये तो बहुत बुरा हुआ सर, आपको केयरफुल रहना चाहिए। मुझे नहीं, तुमको। क्यों सर? इसलिए कि काली बहुत ही कमीना और खतरनाक आदमी है। मैं चौकन्ना रहूंगा सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वेरी गुड सर। सर आपको तो उनका अड्डा पता है, पुलिस का फंदा डालते हैं और पकड़ लेते हैं काली और उसकी पलटन को। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों सर? इसलिए कि जल्दी का काम शैतान का होता है, सबसे काम लो। दरअसल असली बॉस तो कैप्टन है, जो अमेरिका से ऑपरेट करता है। एक बार उसका पता चल जाए फिर बाजी हमारे हाथ में, और गोल्ड मेडल तुम्हारे सीने पर। वाह सर, यू आर ग्रेट सर, मैं आपकी परछाई बनकर रहूंगा। Keep it up. Thank you, sir. Thank you. काली, आंख बिचौली के इस खेल में इस बार चोर की पट्टी पुलिस की आंखों में होगी, ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। पुलिस की आंखों पे पट्टी, आंख बिचौली, ये कौन सा नया खेल है? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कल हमारा कंसाइनमेंट आ रहा है, तुम्हें उसे सही सलामत पहुंचाना है। सीबीआई ऑफिसर की ये वर्दी तुम्हारी पूरी मदद करेगी। Ha ha!
ए, चाय पीछे खोल के दिखाओ, चलो। ओए, ओए। अरे जाधव। अरे सर आप। हाँ वो घर के लिए फर्नीचर लेके जा रहा हूँ, चेक कर लो। अरे सर क्यों मस्करी करते हैं सर? अरे मस्करी नहीं तस्करी है। आई एम सॉरी सर, आप जाइए सर। चले। ए गाड़ी हटाओ। जाइए सर। मस्करी में तस्करी, तस्करी में मस्करी। साहब भी आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। कभी कभी अच्छी शायरी करते हैं। ए मेरा मुंह क्या देख रहा है, चलो हटो। तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कंसाइनमेंट हासिल किया है, वो इस बात का सबूत है कि काली मजिठिया के मंसूबे का असली वारिस है। बॉस, काली सिर्फ मेरी अमानत है और मैं ही इसकी इकलौती वारिस हूँ। तू भी डार्लिंग, मेरा और मजिठिया का क्राइम ट्रैक है।
छल्ला। जमा के खाओ भैया, रोटी गर्मा गर्म है। भैया ये मेरी उंगली है, भाभी की नहीं। ओह, भाभी को भेज दे, मैं उसकी उंगली खा जाऊंगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब है भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, जी करता उसकी उंगली चूम लूं। ठीक है, भाभी को भेजती हूँ। क्या भाभी क्या पहना, बेटा रवि वर्मा लुट गया तेरी इज्जत का कहना। तू बदल गया है। क्या बदल गया है? तेरी चोरी पकड़ी गई, तू उल्टे हाथ से कब से खाने लगा? तू तो खाना हमेशा सीधे हाथ से खाता था। तो कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे कौन? माँ से कभी कोई बात मत छुपाना बेटा, और हाँ ऐसी लापरवाही कभी मत करना, मैं तेरे लिए दवा लाती हूँ। ये बुड्ढी तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये क्या हो रहा है भाई बहन में? कुछ नहीं, मोटी को थोड़ी छोटी कर रहा हूँ। यही है ना पेपर? ये लो। थैंक यू भैया, फिर भाभी। अरे ये किसका साइन किया है, देखो तो। क्या बात है मैडम, कुछ टेंशन में लग रही हैं? टेंशन में मैं नहीं, तुम्हारे साहब लग रहे हैं आजकल। देखो ना, खुद के बदले किसी काली के नाम से साइन कर दिया। काली? अरे मैडम आप क्यों चिंता करती हैं, मैं हूँ ना, मैं पूरी तहकीकात करके सच्चाई का पता लगाता हूँ कि कौन है ये काली का भूत जो हमारे साहब जी के सर में मकान मालिक बन के बैठा है। मैं पता लगाता हूँ। सर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या हुआ? सर लगता है आपके अंदर आज भी उस काली का कीड़ा बिलबिला रहा है। क्या मतलब? सर आपने काली का साइन कर दिया इस पेपर पर। हाँ। ओहो। दरअसल मैं उस काली के बारे में सोच रहा था, टेंशन में साइन कर दिया। अरे सर मैडम तो सीरियस हो गई थी, वो तो मैं सही वक्त पे वहां पहुंच गया, वरना सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। जादव, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसा पुलिस ऑफिसर न होता तो इस देश का क्या होता, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एक कमाल का छपरी लगता है। या या अरे है ये खामोश, या कोई नहीं ये हेलो रवि वर्मा हियर। क्या रवि वर्मा? तो मैं हूँ, तू कौन बोल रहा है? अच्छा तो तू रियल रवि वर्मा है और मैं रियल काली, तू वहां मेरी जगह और मैं यहाँ तेरी जगह। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। पता है तेरी बीवी मुझे अपना मर्द समझती है। हमें काली दे, काली दे, काली बहन की भी गाली दे दे। खबरदार जो उसके साथ कुछ किया तो। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक। तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत जमा कर चुका हूँ, पूरे प्रूफ के साथ आ रहा हूँ मैं। अच्छा याद रख,
तेरे पास हमारे खिलाफ प्रूफ है, मगर तेरा घर बुलेट प्रूफ नहीं है। सारे सबूत लेकर जल्दी आ जा, वरना ये काली शंकर तेरे बेटे बंटी की तरह तेरे छोटे परिवार सुखी परिवार की घंटी बजा देगा। यूं अरे बाप रे, अमेरिका में जाकर अंग्रेजी में गाली दे रहा है। ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर और जल्दी यहां आ जा, वरना हिंदुस्तानी में गाली दूंगा, समझा? बोल, कौन है तू? कमाल है, माँ बेटे से पूछ रही है कि हम आपके है कौन? बहरूपिये, तू मेरा बेटा रवि नहीं। अच्छा, मेरा बेटा शराब नहीं पीता है। अच्छा, मेरा बेटा सीधे हाथ से खाना खाता है। अच्छा, मेरा बेटा सीबीआई ऑफिसर है। तू मेरा बेटा रवि वर्मा नहीं, तू काली है, मेरे बंटी का हत्यारा है। मैंने तेरी सब बातें फोन पर सुन ली हैं। चलो अच्छा हो गया बुढ़िया, तुझे सब कुछ पता चल गया। अब तेरे जाने का टाइम आ गया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कमीने, तेरी हकीकत पुलिस को बता के रहूंगी। नहीं, काली की हकीकत जो जान लेता है, काली उसकी जान लेता है। नहीं रुको भैया, ये लो, सारी शॉपिंग हो गई है ना, बड़ा मजा आया भाभी। उस्मान ने मुझ पर शक किया और मैंने उसके शक को शमशान में बदल दिया, क्योंकि काली की अदालत में शक की दलील नहीं, मौत की सजा सुनाई जाती है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ममता का कलेक्शन ही काट दिया, अब सलमा किसको कहेगा? पा, 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 पा। लेकिन एक मुसीबत, उसका क्या होगा? कौन सी मुसीबत? यही कि वो सिविल इंस्पेक्टर वर्मा हमारी सारी रिपोर्ट लेकर अमेरिका से आ रहा है, कहीं वो सारी रिपोर्ट पुलिस को ना दे दे। पुलिस के पास तो रिपोर्ट तब पहुंचेगी जब वो पुलिस के पास पहुंचेगा। नहीं कली, नहीं, उसको मारना खुद की मौत होगी, वो कुछ भी होशियारी कर सकता है, जोश से नहीं होश से काम लो। तुम उसकी चिंता मत करो, काली का काल चक्र वक्त को भी रोक देगा, मैं सूरज को भी रात को निकलने पर मजबूर कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम अपने सीबीआई के नकाब को तब तक ओढ़े रखना जब तक हम उस पहरूपिये को बेनकाब न कर दे, ठीक है? बहन, कब तक माँ जी का मुर्दा घर पर पड़ा रहेगा? रवि भैया कहाँ है? यहाँ से उनका कुछ पता नहीं भाई साहब, उनका कुछ पता चला। अंतिम यात्रा की तैयारी, लगता है फिर कैसे सीक्रेट मिशन पर चले गए हैं साहब। कितनी बदनसीब है हमारी माँ जी, जो उनका बेटा उनकी चिता को आग भी नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं कहते मैडम, माता जी तो महान है, जो आज उनका बेटा उस भारत माता की रक्षा करने गया है जिसे देश के दुश्मन बेचना चाहते हैं। आप कहे तो मैं अंतिम यात्रा की तैयारी। लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सूर्यास्त के बाद अग्निदाह नहीं करते, अशुभ घड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसा आप उचित समझे कीजिए। Thank you.
माँ जी कल रात सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, पैर फिसल गया, हम छोड़कर चली गई। प्रूफ के साथ आ रहा था, कहां है सबूत? नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा, हमें मुंह खुलवाने के हजारों फार्मूले मालूम है। ट्रोई, ट्रोई। Try, try and cry, and you will win. कैप्टन इसकी हड्डियां तोड़ दो। हड्डियां तोड़ने से यह टूटने वाला नहीं, बड़ी सख्त जान है ये, पता नहीं ये किस मट्टी का बना हुआ है। तो फिर करे क्या? दरअसल तुम लोग गलत जगह वार कर रहे हो, इसकी कमजोर नब्ज पर हाथ रखो तो ये टेप रिकॉर्डर की तरह खुद ब खुद बजने लगेगा। मतलब ये कि ताश के पत्तों में तीन इक्कों से बड़ी कोई गेम नहीं होती। इस बेचारी की मां तो गई, लेकिन बहन और बीवी तो हैं। क्यों सीबीआई ऑफिसर रवि वर्मा? खबरदार उसे कुछ किया तो। क्यों बजने लगाना अपने आप टेप रिकॉर्डर? बता बता सबूत कहां है, वरना तेरी बहन और बीवी के साथ, समझ गया ना? बताता हूँ। दैट्स लाइक अ वेरी गुड बॉय। बताओ। सारे सबूत एक फाइल में, मेरे एक सीक्रेट कॉटेज में। अब तो तुम हमें उस कॉटेज में भी जरूर ले जाओगे, क्यों रवि वर्मा?
रजनी, 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 तेरी बीवी और बहन हमारे पास है, आएगा तो बचा पाएगा। बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Have patience, have patience। क्या चाहिए तुम्हें? रवि वर्मा, अगर मेरे पति यहाँ आ गए तो तुम नहीं जानते क्या होगा। अच्छा, तुमको भी पता नहीं क्या होगा और हमको भी पता नहीं क्या होगा, फिर किसको पता होगा? लेकिन जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे सामने होगा। हमेशा ठीक समय पर आता हूं। रजनी, रजनी, मैं तुम्हारा पति रवि। रजनी, मैं तुम्हारा पति हूं। ये मेरा हमशक्ल काली शंकर है। नहीं रजनी, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जोर से चिल्लाने से तू क्या इसका पति बन जाएगा काली? बिलीव मी रजनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। किरण, मैं तेरा भाई हूँ। यकीन करो रजनी, मैं तुम्हारा पति हूँ जो मिशन पर अमेरिका गया था। तुम अमेरिका गए थे तो घर पर कौन था? ये कब? ये अगर घर पर था तो तुम अमेरिका में क्या कर रहे थे? एक गैर मर्द के हवाले छोड़ गए थे हम लोगों को? क्या बात है रजनी, जवाब दो। रजनी, रजनी, काली पंटी की कसम, ये झूठ बोल रहा है रजनी, मेरी माँ की कसम। नहीं, तुम फ्रॉड हो।
दोनों को मारो काली। Oh, yeah.